हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, रोज रोज की सब्जी रोटी से जब मन भर जाए या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफिन में बनाना हो कुछ अलग, तो झटपट से बनने वाले ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को आप एक बार बिना सोचे जरूर बना के देखिएगा। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। इतनी ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार रेसिपी बनती है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, और हफ्ते में 3 से 4 बार तो इसे जरूर बनाएंगे। अगर आपने इसे गलती से बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे दिया तो बच्चे तो आपसे जिद करके इसे बार बार बनवाएंगे। बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, कम तेल की भी है। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ हेल्दी रेसिपी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसे खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और ना ही कुछ खाने का मन करेगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज को निकाल दिया है, और यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपने टमाटर को ट्रांसफर करेंगे। तो इस रेसिपी में हम थोड़ी सी वेजीज डालेंगे जिससे बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ काफी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो इस तरह से खिला सकते हैं। थोड़ी सी प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें डाल सकते हैं गाजर, बीन्स। तो मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ले लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवेरा बोलते हैं। यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे वेट ने सूजी हमारी मुश्किल से कितनी है 20 ग्राम, और नाप में है 1 कटोरी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसमें हम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर लाने के लिए क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेसन। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया है। वेट ने बताओ तो मुश्किल से हमारा 10 ग्राम बेसन है। और यहाँ पे आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जितनी आपने सूजी ली उसका आधा आपको बेसन लेना है। अब यहाँ पे हम सबसे पतला वाला ग्रेटर ले लेंगे जो 0 साइज वाला होता है, और इस तरीके से 1 कच्चे आलू को हम ग्रेट करके इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और इससे जो लच्छे मिलेंगे वो बहुत ज्यादा बारीक बारीक से होंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर आप चाहे तो आलू को ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप आलू को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे तो इससे नाश्ता बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो चलिए आलू को फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आलू को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। आलू में खुद का पानी होता है तो इसीलिए हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इस नाश्ते को हम सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 कप छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसकी जगह पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छाछ डालने से नाश्ता हमारा काफी ज्यादा स्पंजी और अंदर से फूला फूला बनने के साथ साथ खस्ता भी बनेगा और जालीदार भी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी हमें पहले नहीं ऐड करना है, पहले हमें इसके अंदर छाछ ऐड के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी और बेसन जब फूलेगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखना है शुरुआत में, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा मैगी मसाला, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और हींग को स्किप मत कीजिएगा, हींग डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर जीरा, कच्चा जीरा डाल लें, साबुत जीरा नहीं डाल लें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो मुझे थोड़ा सा अभी थिक लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। तो यहाँ पे टोटल मेरा 1 कप पानी में सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी बचा है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से बैटर को हमने मिक्स करके, अब कम से कम इसको हमें 5 मिनट का टाइम देना है ताकि बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल जाए, तभी हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फूला फूला सा बनेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नाश्ते का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला 1 चुटकी, और इसको मिक्स करके इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। देखिए, एक पैन ले लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। तो अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पर कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच जीरा, 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। 1 चम्मच चने की दाल, जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के लिया, भिगो के नहीं लिया है। सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हमें डाल देना है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दो हमने साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है, इसको भी हम 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जार में मैंने ट्रांसफर कर दिया, बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से पैन को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच ऑयल डालेंगे। और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है, आपको करीब से दिखा देते हैं। इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से सॉटे करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 इंच का अदरक डालेंगे, अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीज को निकाल लिया है, अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इमली के बीज निकाल के अच्छे से लेना है, बीज के साथ नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल 1 चम्मच, अगर आपके पास फ्रेस वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा नारियल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल या ताज़ा नारियल कुछ भी ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी में, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था। तो देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, 4 से 5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से पीस के स्मूथ तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चटपटेपन के लिए चुटकी भर चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, सॉरी कटोरी में। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जो जिससे इसका उसका टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाएगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और दूसरी बात ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाढ़ा गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से धुआँदार गर्म कर लिया, फिर मैंने थोड़ा सा सरसों लिया और थोड़ा सा मैंने जीरा और 1 चुटकी हींग, इसको डाल के 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है, और टेस्ट बढ़ गया और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और इस चटनी के साथ कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। यहाँ पे मैंने
आधा टीस्पून तक ऑयल डाला है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। तो यहाँ पे हमने मोटी वाली सौंफ ली, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, इसको चटकने देंगे, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग। सारी चीजों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये चटक जाएगा तब यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो यहाँ पे मैंने दो कच्चे आलू को अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद इस तरीके से मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और इस तरह से हमने 3 से 4 पानी इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल दिया है। स्टार्च निकालना जरूरी है, इसी से आपका नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आलू को हमें 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पे भून लेना है, ताकि आलू में एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए, और आलू के लच्छे बिल्कुल भी टूटे नहीं। इसीलिए आपको हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, और लकड़ी का चम्मच ले लेंगे तो उससे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। तब इसमें हम थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला, यहाँ पे मेरा होममेड गरम मसाला है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमें टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है डियर। तो यहाँ पे देखिए, लच्छे हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं 25%। और यहाँ पे अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे क्या, आइए आपको ऐड करते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा ग्लास ऐड किया है पानी। तो पानी का मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है, एक बड़ा ग्लास पानी ऐड करना है, और अब एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, और जैसे ही उबाल आ जाएगा इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं डियर। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, यहाँ पे उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पे 1 कप सूजी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के, एक साथ डालने की गलती नहीं करनी है, और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, और कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करते हुए पकाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा ग्लास पानी लिया था 1 कप सूजी के लिए। बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा ना गीला बनेगा और ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, और सूजी बिल्कुल अच्छे से दाने दाने खिले खिली तैयार होगी। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो अगर आप 2 कप सूजी ले रहे हैं तो आपको 2 बड़ी गिलास पानी लेना है। आप ऐसे ही मेजरमेंट कर सकते हैं, जिस बर्तन से आप सूजी ले रहे हैं उसी से आप दुगना पानी ले लीजिए। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे और इकट्ठा ना होने लगे। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है। कच्चे आलू और सूजी तो किचन में हर समय मौजूद होती है, बाकी सब्जियाँ हो या ना हो, लेकिन आलू और प्याज तो हर किचन में होता है। तो आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड किया, मैंने इसके अंदर सिर्फ आलू और सूजी ही ऐड किया है। तो सिंपल से मसाले डाले हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं डाला है जो आपको लेने के लिए बाहर जाना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। सूजी बिल्कुल अच्छे से दाने दानेदार हो गई है, खिली खिली सी, और बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, पैन छोड़ रहा है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। थोड़ा सा लीजिए और इसको गोला बना के देखिए, अगर गोले में बिल्कुल अच्छे से चिकनापन आ रहा है, क्रैक नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए परफेक्ट गोला है, तो यानी ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, फिर भी इसको इसीलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि पैन हमारा गर्म है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये नीचे लग जाएगा। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको हम सेट होने के लिए रखते हैं, तो चलिए सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रे लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे थाली भी ले सकते हैं या फिर प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से जब ग्रीस कर देंगे तो नाश्ता आपका एक तो बहुत ही अच्छे से शेप में आएगा, और दूसरी बात निकालते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिश्रण था वो हम इसके अंदर रख देंगे,
और यहाँ पे अब आपके हाथ ना जले इसके लिए हमें आपको एक बहुत ही मजे की टिप देंगे। एक कटोरी ले लीजिए, उसके पीछे अच्छे से ऑयल लगा दीजिए और इस तरह से मिश्रण को सेट कर लीजिए। इससे आपके हाथ ही नहीं जलेंगे और मिश्रण भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ हमारी इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो हाथ से भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आती हूँ, वो भी किचन से बनने वाली बेसिक चीज़ों के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डियर, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको पर डे एक नई रेसिपी देखने को मिलेगी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और दूसरी बात, हर कोई इसे बना सकता है, चाहे बैचलर हो या जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी मेरी रेसिपी को बिल्कुल आराम से ट्राई कर सकता है। 100% बनेगी, क्योंकि मेरा बनाने का प्रोसेस बहुत ही इजी होता है डियर। तो आप इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। यहाँ पे आपको इसको चाहे तो फ्रिज में रख लीजिए या फिर ऐसे भी रखेंगे तो 5 मिनट में सेट हो जाएगी। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है बटर को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे सूजी और बेसन बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे क्या, सरसों आधा चम्मच, इसको चटकने देंगे। और फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ऑयल में ही डालनी है, इससे क्या होगा, हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा और इस तड़के को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से तड़का लगा के आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा और नाश्ते का लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। तो फ्रेंड, हल्दी को इस तरह से तेल में पका के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा लुक भी आता है, टेस्ट भी आता है। अगर आप डायरेक्ट कच्ची हल्दी डाल देते तो उसका टेस्ट कच्चा कच्चा लगता है। तो यहाँ पे तेल में अच्छे से हल्दी को पका के डालिएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप देंगे, तेल को हल्दी में, सॉरी, हल्दी को तेल में सबसे लास्ट में डालना है और डालते ही तुरंत इसके अंदर तड़का ऐड कर देना है, नहीं तो हल्दी बहुत ही जल्दी काली हो जाती है। तो काली नहीं करनी है। यहाँ पे इस तरह से बैटर बना के आप रात ही में स्टोर कर सकते हैं, सुबह निकाल के इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसमें थोड़ा सा इनो मिला सकते हैं, इसको फटाफट बना सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज्यादा जल्दबाजी है तो आप सूजी और बेसन को एक बार मिक्सी में चला के यूज कर लीजिए, तो आपको जो 5 मिनट का भिगाने का टाइम है वो भी बच जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। रेसिपी में आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है। अगर आपके पास ये वाला पैन ना हो तो आप तड़का पैन भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इस नाश्ते को बनाने से पहले एक बार बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि सूजी और बेसन नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ पे हमने फेंटने के बाद इस तरह से इसके अंदर डालना है। यहाँ पे हम एक कड़छी भर के डालेंगे, दूसरी कड़छी को हमें आधा खाली रखना है, यानी डेढ़ कड़छी डाला है हमने बैटर को। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से फैला लेना है। और अगर आपको कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए तो आपको इसको कवर नहीं करना है, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। तो मुझे कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए इसीलिए मैं कवर नहीं करूंगी। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करें। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए, इस तरह से छू रहे हैं तो बिल्कुल भी फिंगर पे लग नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और इस तरह से फूल गया है। अब इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से पलट के हम इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। और इस रेसिपी को खाने के बाद आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा और आपका पेट बिल्कुल भी खाली खाली सा नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार हम लोग डाइटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है भूखे भूखे से हैं। तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खाइए, पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। और इसमें आप और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, इसको और हेल्दी बना सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल थी मैंने इसके अंदर वही ऐड किया। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको देख लेते हैं पलट के। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, बाकी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए 2 बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाकी बाद में बनाएंगे ताकि आपको बिल्कुल भी वेट ना करने पड़े रिजल्ट को देखने के लिए डियर। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कितना जरा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कितना जरा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से कुक हुआ है। और यहाँ पे आप इसको
ये वाली चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है और खा के मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं कैसे कट करूंगी वो आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे नाइफ पे, जिससे क्या होगा कटिंग में बहुत ही आसानी होगी। और अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है। तो इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको रखना है आप उतना रख सकते हैं, जितना छोटा रखना है उतना छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे। तो आलू के लच्छे बहुत ही कमाल के इसमें दिखते हैं नाश्ते में, खा के मजा आ जाएगा। और निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि जो इसका लुक है परफेक्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने इसकी थिकनेस को बहुत ज़रा मोटा या बहुत ज़रा पतला नहीं रखा है, क्योंकि आप बहुत ज़रा पतला बनाएंगे तो क्या होगा बनाते समय जल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, खस्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको निकाल के हल्का हल्का सा जो इसके लच्छे बाहर है उसको हम इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। आप इसे बना के हवाबंद डिब्बे में भर के भी रख सकते हैं, और जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे निकालिए फटाफट बना लीजिए। आप इसे सलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और दो चीज़ों से बन जाती है, सिर्फ आलू और सूजी से। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं सारे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे निकाल लिए, चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। डियर देते हैं आपको बहुत ही मजेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज्यादा खस्ता और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे अंदर से, ऊपर से बहुत ही ज्यादा करारे बनेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे इसे बनाना है। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे तावा भी ले सकते हैं या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो फ्रेंड कई बार लोगों की शिकायत होती है जब वो सूजी का नाश्ता बनाते हैं तो तेल में डालते ही फट जाता है, उसका कारण क्या है, आप तेल को अच्छे से गर्म नहीं करते। जब तेल एक बार गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और सूजी की कोई भी रेसिपी बनाइए तो मीडियम फ्लेम पे बनाइए। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से कलर पकड़ लेगी और अंदर से खस्ता नहीं बनेगी, और अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा कि वो फट जाएगी। इसीलिए जो टिप एंड ट्रिक देंगे उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दूसरी बात, कम टाइम में आप बहुत सारा नाश्ता फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पे हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद इसको हम टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको डालते ही तुरंत टर्न करने की गलती नहीं करनी है, तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है एक साइड से, जब एक साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी इसको टर्न करना है। और यहाँ पे टर्न करने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, और इस रेसिपी को आप एक बार बना के स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे हफ्ते ये रेसिपी आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा पानी नहीं डाला है, बैटर को हमने पका के डाला है। उसका फायदा ये होता है कि ये खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने पलट दिए, अब दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट पकाएंगे फिर ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से ही पकते हुए, देखिए दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब गैस के फ्लेम को हमने पूरा फुल कर दिया है और 10 सेकंड इसे हम अलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे इस तरह से छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल बार बार इसे खाने का करेगा। और अगर आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आप उन्हें समोसा कचौड़ी और पकौड़ी खिला के बोर हो चुके और वो खा के भी बोर हो गए, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सारे नाश्ते को निकाल लिया है, अब चलिए इसको सर्व करके आपका इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है, बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा खिले खिले से हैं। और इस चटनी के साथ आप इसे एक बार चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। और दूसरी बात, आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए तो आपको समोसा और कचौड़ी खिला करने की जरूरत नहीं है, आप इस रेसिपी को बना के उन्हें खिला सकते हैं। मेहमान भी खुश, आप भी खुश, आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि समोसे का रेट इस समय बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से क्रिस्पी बनाना है, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है जैसा कि मैंने वादा किया था, रुई जैसा। तो फ्रेंड आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।